Hello friends, welcome to Avipedia. In this video, I'm going to tell you about how to prepare the Polity section of CAPF Assistant Commandant Exam 2019. So let's start. So first of all, we should know that how many questions are being asked from this section. मतलब Polity से कितने question आ रहे हैं हर साल? आपको पता होगा कि total 125 questions होते हैं. 125 questions में से अगर हम पिछले 5 साल का pattern देखें तो 2018 के अंदर अराउंड 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2017 में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2016 में फिर से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2015 में फिर दोबारा 16 या 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2014 में 17 क्वेश्चन पूछे गए. तो ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं कि 16 क्वेश्चन 125 में से आते हैं पॉलिटी सेक्शन से. तो इससे पता चलता है कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेक्शन पॉलिटी, क्योंकि 32 मार्क्स होते हैं. अब इसके अंदर अगर हम डिविजन करें तो इन 16 क्वेश्चन में थे 14 क्वेश्चन है जो वो बहुत आसानी से सोल्व हो सकते हैं. ठीक है, वो बहुत इजी होते हैं और आपके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी उन्हीं के अंदर से सोल्व हो सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि सिलेबस क्या है पॉलिटी का जो आपको तैयार करना है. ठीक है, सिलेबस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होता है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, कि हमारा इवोल्व कैसे हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1773 टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, कंपोजिशन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वर्किंग ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सब आपको करना है तैयार किसके लिए, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए. ठीक है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की कुछ कमिटीज भी थी. ठीक है, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमिटी, पावर्स कमिटी, स्टेट्स कमिटी, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कमिटी थी, उन सबके चेयरमैन आपको याद करने हैं इन सबके लिए. ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर. नेक्स्ट है प्रीएम्बल. प्रीएम्बल की एक तो आपको जो एक एक चीज बताई गई है प्रीएम्बल के अंदर कि किस किस क्या क्या काम आता है, कि मतलब प्रीएम्बल का व्हाट इज द यूज ऑफ प्रीएम्बल, कि इट टेल्स अबाउट द फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट टेल्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट टेल्स अबाउट द फ्यूचर टारगेट्स व्हिच आवर कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू अचीव थ्रू द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे तो बात करेंगे सिटीजनशिप की. ठीक है, सिटीजनशिप वाला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ना है, अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो आपको अच्छे से करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स में जो आपने खास ध्यान देना है वो एक तो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके ऊपर और जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स आई हैं. ठीक है, जैसे केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया, गोलकनाथ केस के अंदर क्या कहा गया, इन सब के ऊपर आपने ध्यान देना है. ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स के बाद डीपीएसपी, अगेन डीपीएसपी की क्या इंपॉर्टेंस है, कि डीपीएसपी गिव्स द वेलफेयर फेस टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सारे आर्टिकल्स डीपीएसपी के, ये आपको याद करना है सीएपीएफ के लिए. नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, अगेन सेम थिंग, एंड यूनियन, एंड अगला आएगा यूनियन एंड इट्स स्टेट्स. यूनियन के अंदर आपको जो याद करना है, देखिए यूनियन का पार्ट कौन कौन है, यूनियन का पार्ट है अपने प्रेसिडेंट, यूनियन का पार्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, यूनियन का पार्ट है पार्लियामेंट, इन सबको देख के, यूनियन का पार्ट है अटॉर्नी जनरल, इन सबको आपको देख के तैयार करना है. और सिमिलरली सेम चीज आपने करनी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए. ठीक है, अगला हम जब जाएंगे तो आएंगे पार्लियामेंट, अगेन जैसे मैंने हमने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में जो आपने ध्यान देना है, एक तो सबसे जरूरी है जो मोशंस हैं, डिफरेंट मोशंस हैं पार्लियामेंट के वो. ठीक है, सब्सटेंशियल मोशन क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, इस तरह से जितने भी मोशंस दिए गए हैं स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर वो आपको सब याद होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आता है. इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमिटीज, एस्टिमेट्स कमिटी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ठीक है, इन सब के ऊपर आपने ध्यान देना है और ये आपको पढ़ने में आनी चाहिए कि इनके क्या कॉम्पोजिशन है, क्या फंक्शन है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट है जुडिशरी. जुडिशरी अगेन कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग जज. ठीक है, दूसरा हमारा जुडिशरी का टाइप क्या, हमारा सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है उसका क्या मतलब बनता है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूएसए. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, लास्ट ईयर भी इसके ऊपर क्वेश्चन था. अगली हम बात करेंगे पंचायत की. ठीक है, पंचायत आपने अच्छे से पढ़नी है. ठीक है, नेक्स्ट है अर्बन लोकल बॉडीज, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना चाहिए कि कंपोजिशन, हु अपॉइंट देम. नेक्स्ट है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अगेन स्टैट्यूटरी बॉडीज को भी हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं, और कुछ है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज. ठीक है, वो आती है नीति आयोग. ठीक है, इसकी इनकी कॉम्पोजिशन, कमिटी में कौन कौन होता है, हु इज द चेयरमैन, ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है. इसके अलावा स्पेशल फोकस जो सीएपीएफ के लिए आपने देना है पॉलिटी के ऊपर, वो आपने देना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर. ठीक है, और कमिटीज जैसे बलवंत राय मेहता कमिटी है उसके ऊपर आपने ध्यान देना है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ठीक है, रेगुलरली क्वेश्चन आता है. ठीक है, उसके अलावा जितनी भी कमिटीज और हैं, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी. ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लाइक डीसी वाधवा केस, आरसी कूपर केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस, ये केस कंसिस्टेंटली पूछे जाते हैं सीएपीएफ के एग्जाम के अंदर. और
अभी जैसे कि आपको अभी आर्टिकल 377 से रिलेटेड कौन सा केस था, सेक्शन 497 आईपीसी से रिलेटेड कौन सा केस था, इन सब केसेस के नाम आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी वाले टॉपिक, थ्योरी के टॉपिक जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, कि हाउ सेपरेशन ऑफ पावर वर्क्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके अलावा हाउ वी कंपेयर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम कंपेयर टू यूके कंपेयर टू यूएसए, ये आपने डिटेल में पढ़ के जाना है। यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि केशवानंद भारती केस में कहा गया था, केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया था वो कैसे इवॉल्व हुआ है, उसके अंदर अभी आर्टिकल 21 ए जैसे कि इवॉल्व हो रहा है, उसी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हो रहा है, उसके अंदर कौन कौन से केसेस हैं, इसके ऊपर भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, ये होगी थी बात हमारी पेपर वन की, अब हम बात करेंगे पॉलिटी फॉर पेपर टू। पॉलिटी पेपर टू के लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर टू में एसए के जो दो टॉपिक हैं, ठीक है, वो आप टोटल 6 टॉपिक आते हैं, 6 में से 4 लिखना होता है और उसमें से 2 आप पॉलिटी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ध्यान में रखने वाली बात या जो जरूरी रखने वाली बात यह है कि जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि ब्रॉड इश्यूज चल रहे हैं, गवर्नर के ऑफिस का मिसयूज, ठीक है, व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग टू इट, ठीक है, अभी रिसेंटली नाउ अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो कंट्रोवर्सीज है, तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन इलेक्शन कमीशन एंड सो ऑन। ज्यादा माइक्रो टॉपिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, मेन अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड या फिर जो इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड, जैसे 497 के मैंने पहले भी जिक्र किया था, तो फिर से आपका 497 के ऊपर एक ऐसे आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स की, अगेन आर्ग्यूमेंट्स में भी 2 टॉपिक होते हैं, एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉलिटी से रिलेटेड होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन कैन बी, क्या राज्यसभा, शुड वी अबोलिश राज्यसभा, ठीक है, या फिर राज्यसभा इज जस्ट ए व्हाइट एलिफेंट, या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर जस्ट व्हाइट एलिफेंट बिकॉज रिसेंटली उड़ीसा हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन कि वहां पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाई जाए, ठीक है। इस हिसाब से आपने जो ब्रॉड टॉपिक्स चल रहे हैं करंट इवेंट्स के अंदर उसके लिए आपको तैयार करना है पेपर टू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लिए रिपोर्ट्स के अंदर लिखिए कि अगर कोई मेजर टॉपिक आया है तो ही पॉलिटी से पूछा जाएगा, अदरवाइज और बहुत सारी चीजें होती है वहां आप उनको तैयार कीजिए, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे अगर जिस भी टॉपिक से आएगा। लेकिन अभी आपको जो पॉलिटी से रिलेटेड पेपर टू में 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो एसे और एक आर्ग्यूमेंट। और ध्यान रखना कि प्लीज डोंट गो इनटू द माइक्रो टॉपिक्स, जस्ट प्रिपेयर, ठीक है, जो ब्रॉड टॉपिक्स है उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और दिस विल डू इट फॉर यू एज वेल। हम अगर बात करें तो CAPF AC एग्जाम की, ठीक है, आज के लिए इतना ही। पॉलिटी के लिए इसी तरीके से आपने तैयार करना है और इस सीरीज के अंदर हम अगली सीरीज में जो अपना वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे कि हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।